दोस्तों आज हम बात करेंगे दो क्रीपी टॉयज के बारे में जो कि बड़े ही कमाल के हैं और दोनों ही काम करते हैं रिमोट कंट्रोल से, जिनके इस्तेमाल से हम अपने दोस्तों को थोड़ा सा परेशान कर सकते हैं। तो जल्दी से करेंगे इनकी अनबॉक्सिंग और करेंगे इनके बारे में थोड़ी सी बातचीत। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मनु, आप देख रहे हैं पी फॉर यू, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं इस कॉकरोच के बारे में, जिसकी पैकिंग दिखती है कुछ चारों तरफ से इस तरह से, और यहाँ पर फ्रंट की तरफ दी गए हैं कुछ फीचर्स जैसे 6+8 3-चैनल 2-वे, और इसके साथ जो बैटरी है 1.5 वोल्ट की वो है इंक्लूडेड। अगर पीछे की तरफ देखें तो यहाँ पर दी गई है कुछ इंस्ट्रक्शन जिसे आप इसके यूज करने से पहले जरूर पढ़ लें। तो मैं जल्दी से ओपन करता हूँ इसको यहाँ से। बाहर करते हैं इस कॉकरोच को। तो जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले ही निकल के आता है ये कॉकरोच, इसको मैं रख देता हूँ साइड, बड़ा ही क्रीपी सा लग रहा है। इसके साथ ही ये है इसका एक इंफ्रारेड रिमोट और ये है इसकी कुछ 6 बैटरी। तो दोस्तों ये है हमारा कॉकरोच। अगर यहाँ पे हम क्वालिटी की बात करें सबसे पहले, तो क्वालिटी तो यहाँ पे काफ़ी औसम है। प्लास्टिक का मटेरियल है वो काफ़ी अच्छा यूज़ किया है। ये जो पंख है ये भी काफ़ी अच्छे से डिज़ाइन किए गए हैं, जो कि मतलब दिखने में काफ़ी रियल फील हमको देता है। साइज़ की बात करें तो साइज़ यहाँ पे काफ़ी बड़ा है, जैसे आप देख सकते हो पूरा हाथ में आ रहा है, और पैर में जो ये कुछ यहाँ पे कट्स दिए गए हैं ये भी काफ़ी अट्रैक्टिव हैं। ओवरऑल अगर इसे देखा जाए तो मतलब किसी को परेशान करने के लिए बहुत अच्छा पैकेज है। अगर आप इसे खरीदना चाहते हो तो सारे लिंक्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। तो जल्दी से मैं इंसर्ट करता हूं यहां पर इसकी बैटरीज और करते हैं इसकी थोड़ी सी टेस्टिंग। दोस्तों अगला टॉय जो यहाँ पे निकल के आता है वो है ये जाइंट फ्लाई, जिसे हम हिंदी में बोलेंगे बड़ी मक्खी। बड़ी क्या मतलब, काफ़ी बड़ी मक्खी है ये। दोनों के दोनों टॉयज जो थे कॉकरोच और ये, वो आते हैं बेस्ट फन टॉयज की तरफ से। तो लगभग पैकिंग जो है दोनों की सेम ही है, इंस्ट्रक्शन ऑलमोस्ट सेम ही है। तो बिना कोई वक्त गवाए जल्दी से करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। मेरा कटर जो है आज मिल नहीं रहा है मुझको, तो ऐसे ही इसकी पैकिंग को निकाल देंगे। तो ऑलमोस्ट सेम ही है, सेम ऑलमोस्ट रिमोट कंट्रोल भी सेम है, थोड़ा सा डिज़ाइन चेंज कर दिया सेल रखने का, और यहाँ पे हमको मिल जाती है ये मक्खी। तो दोस्तों बात कर लेते हैं इस जाइंट फ्लाई के बारे में, मतलब बड़ी मक्खी के बारे में। क्वालिटी ऑफ मटेरियल एज यूजुअल, जैसा कि मैंने कॉकरोच का कहा था, दोनों कंपनी आएगी है तो काफ़ी अच्छा मटेरियल यहाँ पे यूज़ किया है। डिज़ाइन जो है वो भी काफ़ी अच्छी है, एक रियल फील यहाँ पे भी हमको मिलता है। पीछे की तरफ ऑलमोस्ट सेम टायर लगे हुए हैं, यहाँ पे लगी की बैटरीज, और ये जो पोर्शन है रेड वाला ये इसे काफ़ी अट्रैक्टिव बनाता है, इसकी आंखों वाला पोर्शन। पीछे की तरफ से भी देखें तो मतलब एक स्लीक सा लुक है और काफ़ी मतलब अच्छा लग रहा है। मुझे लगा था कि शायद ये उड़ेगी बट ऐसा कुछ नहीं है, ये भी शायद से सिर्फ कॉकरोच की तरह ही वॉक करेगी। तो जल्दी से कर लेते हैं इसकी भी हम टेस्टिंग और चलते हैं राउंड में। तो दोस्तों अगर बात करते हैं इन दोनों की परफॉर्मेंस की, तो जो ये कॉकरोच है ये मुझे मक्खी के कंपैरिजन में काफ़ी अच्छा लगा। वो इसलिए क्योंकि कॉकरोच जो है वो हर जगह स्मूथली चल रहा था और इस मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इसे चलाने में, और इजीली ये काम कर रहा था। बट मक्खी जो है ना, ये काफ़ी जगह मतलब रुक जा रही थी अचानक से। फिर मैंने इसके नीचे देखा कि रुक क्यों रही है, तो ये तो अच्छे से वर्क कर रहा था बट जो इसके पैर हैं ये काफ़ी मतलब लग रहे हैं ज़मीन पर, जिसकी वजह से इसको काफ़ी जगह मतलब
ये सही से रोटेट नहीं कर पा रहा था। मींस कि अगर आपको इसको चलाना है तो बिल्कुल स्मूथ प्लेस जैसे कि टेबल है इसके ऊपर आपको चलाना पड़ेगा, बट इसको आप बेड पे और वगैरह मतलब नीचे मैट पे और इवन मैंने इसे सड़क पे भी चलाया तो ये वहाँ पे काफ़ी कंफर्टेबल लगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो पे लाइक तो ज़रूर कर देना, और अगर आपको ये टॉयस पसंद है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए आप जाके वहाँ परचेज कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।